नई कृषि कानूनों का खिलाफ करीब 2.5 महीने से जारी आंदोलन के बीच कल किसान देश भर में चक्का जाम करेंगे। वहीं किसी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लोग जो यहां भी नहीं आ पाए वो अपने अपने जगहों पर कल जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कल यानी 6 फरवरी सिर्फ 2 राज्यों में चक्का जाम नहीं होगा। यह 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन 2 राज्यों और दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम होगा। किसान नेता राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं इस पर दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चक्का जाम को लेकर हमसे किसी भी किसान नेता ने संकल्प नहीं किया है, लेकिन दिल्ली, यूपी और हरियाणा पुलिस इसको लेकर काफी गंभीर है। दरअसल शनिवार होने के कारण हाईवे पर अच्छी खासी वाहनों की भीड़ होती है। 26 जनवरी की हिंसा से काफी लोग आंदोलन को लेकर गुस्सा भी है। ऐसे में पुलिस बेहद सतर्कता बरत रही है। दिल्ली पुलिस PRO ने कहा कि पूरे देश में कल किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम होने वाला है। हालांकि किसानों ने कहा कि वे दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ उसको मद्देनजर हमने ऐसा किया है। हरियाणा के DGP मनोज यादव ने बताया कि SP जिलों में किसानों से बात कर रहे हैं ताकि कहीं कोई समस्या न हो। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी, इससे लोगों को घर से निकालने से पहले यह पता रहेगा कि उन्हें किस रूट से जाना है। किसान आंदोलन का मजबूती देने के लिए शुक्रवार से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसी पंचायतों की सीरीज शुरू की जाएगी जो फरवरी के अंत तक चलेगी।